हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रोनोवर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास ये सीलिंग फ़ैन आया है, ये है हमारा चल रहा है स्लो। तो दोस्तों इसमें पहले हमने इसे ठीक भी किया था, क्योंकि जब ये चल नहीं रहा था पहले इसमें करंट आ रहा था। ये दूसरे वाला पंखा है दोस्तों, वो दूसरा था जिनसे मैंने करंट के बारे में आपको बताया था। तो ये दोस्तों दूसरे वाला है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा सब चीज़ ठीक है, फिर भी हमारा स्लो चल रहा है। तो अभी देखना आप, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको रनिंग दिखा रहा हूँ, तो रनिंग पे सही आ रही है कंटिन्यूटी मोड पे लगा के, और स्टार्टिंग पे भी। तो दोस्तों दोनों हमारी कोयल पे सही आ रही है रीडिंग, पर फिर भी हमारा मंदा चल रहा है। तो इसका रीज़न क्या है दोस्तों मंदा चलने का, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप बैरिंग देख पा रहे होंगे, हमारा बैरिंग भी ख़राब नहीं है, हमारा बैरिंग सही है। पहला रीज़न ये हो सकता है दोस्तों, अगर बैरिंग आपका फंस का आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे है कि ठीक है, मैं इसे पहना रहा हूँ इसमें ही, इसकी साफट में। तो दोस्तों अगर ये बैरिंग फंस का आता है आपका, तो बैरिंग सही है, ठीक है, जो ये साफट भी रहती है, साफट भी ठीक है और बैरिंग भी ठीक है। अगर आपका बैरिंग आपका गड़गड़ कर रहा है, या उसके वजह से हमारे प्रॉब्लम हो जाती है ये स्लो चलने की, अगर आपका बैरिंग ख़राब हो तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ अब। तो अब मैं इसे निकालता हूँ दोस्तों आपके सामने। तो जैसे कि मैं इसे निकालता हूँ, और फिर इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि हमारा दोस्तों बैरिंग तो ठीक है और हमारी साफट भी ठीक है। तो दोस्तों पहला रीज़न तो आपने देख लिया होगा कि इस वजह से हमारा स्लो चलता है, ठीक है। तो अब हम दिखाते हैं दोस्तों दूसरा रीज़न इसका, जिससे कि हमारा धीरे चलता है। तो दोनों आप बैरिंग देख सकते हो, दोनों बैरिंग ठीक है हमारे। तो अब ये जो इसका गोल गियर रहता है दोस्तों, ये हमारे इसमें अड़के चलता है, जिससे कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बने इसमें, और ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से वर्क करें। अगर दोस्तों आपका ये अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, हल्का हल्का सा आप इसे घिस सकते हो रेत से, तो आपका ये अच्छी तरीके से वर्क करने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीसरा रीज़न यही है कि हमारा दोस्तों अच्छे तरीके से यहाँ पर नहीं चलता है, तो उसके वजह से भी दिक्कत करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे कि काला काला पड़ रहा है ये, तो इसमें कार्बन आने की वजह से हमारा ये ख़राब हो जाता है। तो आप उसे घिस सकते हो रेत से, तो हमारा फिर अच्छी तरीके से चल जाएगा। तो दोस्तों चौथा रीज़न हमारा क्या हो सकता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जो ये रनिंग और स्टार्टिंग कोयल है, पहले मैं आपको रनिंग चेक करा देता हूँ, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छी तरीके से बन रहा है या नहीं बन रहा है, फिर आपको दिखाऊंगा स्टार्टिंग पे। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने ये रख लिया है, और जो मैं सीरीज बोर्ड के वायर लगाऊँगा उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा कि हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स आपको कैसे चेक करना चाहिए, कौन सी कोयल शॉर्ट है और कौन सी कोयल शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों इससे हमारे जो अगर सीरीज बोर्ड हो आपके पास, तो आप इससे पता कर सकते हो कौन सी कोयल शॉर्ट है हमारी, तो उसे काट सकते हो या हमें वहाँ पर ठीक कर सकते हो उसे पेपर लगा के। तो अभी मैं आपको सीरीज बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, आप देख सकते हो सीरीज बोर्ड की तरफ ये बल्ब ग्लो हो चुका है हमारा। तो ये हमारा वायर है सीरीज वाला, तो हमें कैसे चेक करना चाहिए वो आप देख लेना अभी। एक आपको स्क्रू ड्राइवर लेना होगा, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों पेचकस हिंदी में, तो ये हमने ले लिया है। तो एक कोयल पर आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, तो अपनी तरफ को जैसा पेचकस खींचता है मैग्नेटिक फ्लक्स कोयल, तो आपकी ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी सही बननी है। अगर आपके धीरे से खींचता है, तो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी सही नहीं बननी है। तो जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये अच्छी तरीके से खींच भी रहा है, ठीक है, जैसे कि हम मैग्नेट में लगाते हैं, तो ऐसे हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों सारी कोयल में हमारा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और गाइस हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड न्यू वीडियो मिलती रहे डेली। तो दोस्तों आपको एक एक कोयल पे ऐसे ही चेक करना होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखा दिया रनिंग कोयल पर आपको ऐसे चेक करना होगा। फिर आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग कोयल, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमें सीरीज वाला जो वायर है हम उस पर लगाएंगे स्टार्टिंग कोयल पर, और फिर हम उसे चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने इसके जो ये हमारे ब्लैक वाले वायर है, ये स्टार्टिंग कोयल के हैं, स्टार्टिंग कोयल का आपको मैं चेक करा देता हूँ। तो ये हमारे सीरीज बोर्ड वाला वायर लगा, और लगा के आपको इसमें चेक कराएंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको रनिंग कोयल में चेक कराया था कि हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छी तरीके से बन रहा है या नहीं। अगर जिस कोयल में नहीं बन रहा है, तो आप उसमें पेपर लगा के आप अच्छी तरीके से उसे ठीक भी कर सकते हो। अगर बाहर की कोयल है, तो आप कोयल भी नहीं डाल सकते हो। अगर अंदर की कोयल है, अंदर की कोयल नहीं डलने की, जैसे हमने ये जुगाड़ कर रखा था, मैंने बताया था करंट आने पर क्या चेक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए उसे सही, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो जाके मेरे चैनल पर। तो सेम ऐसे ही करना चाहिए जैसे मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसको डाल लिया दोबारा से,
तो यहाँ पे हमारे ये बीच वाला जो मेन पॉइंट रहता है दोस्तों, यहाँ पे हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो दोस्तों हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छी तरीके से बनना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नहीं बनने का, हमारा हल्का हल्का सा बनना है, जिससे कि हमारी कोयल हमारी हमने काट दी है। यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग थी तो शॉर्टिंग के वजह से दोस्तों हमने ये कोयल काट दी है। तो हमारा फिर भी हमारा मंदा चल रहा है। तो दोस्तों हमारे कई दिनों के बाद आया ये पंखा हमारे पास रिपेयर होने के लिए, कम से कम 4-5 महीने बाद आया है। तो ये हमारा दोबारा से बन सकता है, ये बंधेगा ही, क्योंकि हमारे दोस्तों ये ठीक नहीं होने का। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो आप ऐसी जुगाड़ करके चला सकते हो। अगर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हमारा आपने जुगाड़ करके ऐसे जैसे हमने एक कोयल काट दिया चला रखा है, तो दोबारा से आपको बंधवाना ही पड़ेगा। अगर आपकी रनिंग कोयल ख़राब है उसमें नहीं बंधवाना पड़ेगा, उसमें तो एक कोयल बांधो और वो चल जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ ओके है इस वजह से। तो दोस्तों हमारे सारी कोयल जितनी भी है हमारी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनना है इनके बीच में। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनना है और जो उनसे दोनों में, ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनना है। यहाँ पे हमारा अच्छी तरीके से बन रहा है, आप देख सकते हो पेचकस अपनी तरफ खींच रहा है ये स्टेटर, ठीक है दोस्तों। तो हमने सीरीज बोर्ड का ये निकाल दिया वायर। तो दोस्तों ऐसे चेक करने का तरीका है, जहाँ पे आपकी कोयल शॉर्ट होगी वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनने का, और उसे आप डायरेक्ट करके चला सकते हो एक कोयल काट के। अगर आपकी दो कोयल ख़राब हैं तो आप नहीं काट सकते उसे। तो दोस्तों मैंने इसकी रनिंग और स्टार्टिंग के कोयल के मैंने आपको बता दिया है कि हमारा सिलो किस वजह से चलता है। पहला रीज़न जो हो जाता है हमारा उसका, आपको पहला रीज़न जो होता है दोस्तों जो हमारे बैरिंग रहते हैं उसका, और दूसरा रीज़न होता है दोस्तों हमारा उसमें जो गोल घेरा रहता है उसका रूटर का, उसमें जिसे हमें रूटर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, उसके वजह से भी हमारा धीरे चलता है। तो दोस्तों चौथा रीज़न जो उनसे मैंने आपको बताया रनिंग और स्टार्टिंग का, यहाँ पर कोयल शॉर्ट होगी तो आपका फिर भी धीरे चलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर हमने जुगाड़ किया था, पहले मैंने बनाई थी वीडियो कम से कम 4-5 दिन पहले, तो हमने एक कोयल काट दी थी ऐसी थी उसमें भी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारे सारी जगह से दोस्तों आप देख सकते हो ये अच्छे तरीके से सही है, हमारी रीडिंग भी आ रही है, इसमें कहीं कोयल भी शॉर्ट नहीं है। तो दोस्तों जो सी कोयल हमारी शॉर्ट थी वो हमने काट रखी है पहले से। तो दोस्तों आपको ये बनवाना ही पड़ेगा अगर आपने भी यही जुगाड़ कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है कि रनिंग और स्टार्टिंग का कोयल को कैसे चेक कर सकते हैं अगर हमारा पंखा धीरे चलता है। तो धीरे चलने का दोस्तों यही रीज़न हो सकता है, आपने कोयल के बीच में पेपर नहीं लगा रखे हैं, कोयल के बीच में आपको पेपर लगाने हैं, फिर हमारा अच्छी तरीके से कोई भी शॉर्टिंग नहीं चल करने का फिर। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास ये कैपेसिटर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 2.5 MFD का लगता था 250 का, तो यहाँ पर हमारा लग रहा है 3.15 का। तो दोस्तों 3.15 का हमने लगा के देखा था कि जिससे कि हमारा तेज़ चल जाए, हमारा फिर भी वही वर्क कर रहा है ये। तो दोस्तों बहुत मंदा चल रहा है ये पंखा, आप देख सकते हो मैंने आपको बताया कि किस वजह से धीरे चलता है। तो आपको ये पंखा आपको बनवाना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों ये बैरिंग भी हमारा सही है, तो ये बैरिंग के वजह से भी हमारा धीरे चलता है पंखा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।